अषाढ़ पूर्णिमा निमित्ते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शेर करशे पोतानो संदेश। धर्मचक्र दिवस तरीके पण उजवाय छे आजनो दिवस। गौतम बुद्धे आजना दिवसे प्रथम पांच शिष्यों ने आप्यो हतो पहलो धर्म उपदेश। महाराष्ट्र में वरसादी आफत। रायगढ़, सतारा ने मुंबई में भूस्खलन और पूर की घटना थी 50 थी वधुना मृत्यु। प्रधानमंत्रीए व्यक्त कर्यू दुख। एनडीआरएफ और वायुसेना सहित तमाम एजेंसीओ राहत कार्य में लागी। केन्द्र गृहमंत्री अमित शाहे कहू केन्द्र करी रही है पूरी मदद। अमेरिकाना विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आगामी 27 जुलाई आवशे भारतना बे दिवसीय प्रवासे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर साथे करशे मुलाकात। आ दरमियान कोविड-19 सहित अनेक द्विपक्षीय मुद्दाओ पर थशे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभाना चूंटायेला अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिदे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथे करी मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र सघन में सुधारा ने लईने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना दृष्टिकोण नी करी प्रशंसा। अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री जयशंकर साथे पण करी मुलाकात। राज्य में शुक्रवार नोधाया 36 नवा केस तो 61 दर्दियों थया साजा। घटता केस साथ रिकवरी रेट 98.74 टकाए पहुंचो। शुक्रवार 355,000 थी वधु लोगों ने अपाई रसी। हाल में सक्रिय केस की संख्या 345 थी। अमदावाद जिला में नवा 8 केस और सूरत जिला में 7 केस नोधाया। कोरोना थी राज्य में शुक्रवार एक पण मृत्यु नहीं। આજથી 5 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદની સંભાવના। આજે ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, પોરબંદરમાં વરસાદની આગાહી। તો આગામી 3 દિવસ સૌરાષ્ટ્ર સહિત ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના, જ્યારે 28 જુલાઈએ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ રહેવાની શક્યતા। ભારતે શ્રીલંકા સામે 2-1 વન ડે સિરીઝ જીતી। અંતિમ વન ડેમાં મેચમાં શ્રીલંકાએ 3 વિકેટથી ભારતને હરાવ્યું। સૂર્યકુમાર યાદવ બન્યા પ્લેયર ઓફ ધી સિરીઝ। અને ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં ભારતીય ટીમનું અભિયાન શરૂ। તીરંદાજ દીપિકા કુમારી અને પ્રવીણ જાધવની જોડી મિશ્રિત ટીમ સ્પર્ધાના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી, જ્યારે આજે ભારતીય પુરૂષ હોકી ટીમની ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમત ચાલુ।